दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लर्निंग लाइसेंस बनाना पड़ता है एंड लर्निंग लाइसेंस बनने के एक महीने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से लगभग एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने समझाया था। अगर आपने अभी तक लर्निंग लाइसेंस नहीं बनाया है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने लर्निंग लाइसेंस का कंप्लीट प्रोसेस समझाया है। उस वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये ड्राइविंग लाइसेंस का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूँ और इसका ऑनलाइन प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर ब्राउजर में परिवहन सर्च करना है। परिवहन सर्च करने के बाद जो भी आपको यहाँ पे फर्स्ट लिंक यहाँ पे दिखेगा आपको इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप पहला लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप परिवहन के ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज का, तो आप इस पे क्लिक करेंगे एंड इसके नीचे जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सेकेंड में एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का, ठीक है, तो आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होकर चला आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पे दो कॉलम दिख जाएंगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे कॉलम में यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे लर्नर लाइसेंस नंबर, तो आप यहाँ पे अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे फिल करेंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, ठीक है। ये दोनों फिल करने के बाद आप यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी लर्निंग लाइसेंस का डिटेल्स होगा यहाँ पे पूरा शो होने लगेगा। आपका लर्निंग लाइसेंस कब बना था एंड कब एक्सपायर होगा यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। एंड इसके नीचे आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज यहाँ पे शो होने लगेगा। तो दोस्तों, ये सारा डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको इस कॉलम में आपने जो भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया था, मतलब टू व्हीलर के लिए अप्लाई किया था या फिर चार व्हीलर के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। तो मेरे केस में आप देखेंगे लिखा हुआ है मोटरसाइकिल विद गियर, मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन शो कर रहा होगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट ऑल का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वाला ऑप्शन जो था यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है सबमिट का, तो आपको इस पे क्लिक करना है एंड ओके पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार के एक रेफरेंस स्लिप यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, आपका नाम, एप्लीकेशन डेट, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो भी आपका इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे शो होने रहेगा, ठीक है। तो आपको इस रेफरेंस स्लिप को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का, आपको इस पे क्लिक करके इस रेफरेंस स्लिप को यहाँ पे प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपको हमेशा काम देगा। आप जब भी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो जब भी एक स्टेप आगे जाएगा तो आपका रेफरेंस नंबर, मतलब एप्लीकेशन नंबर बार बार पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको बार बार फिल करना पड़ेगा। तो इसे प्रिंट आउट करने के बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा एंड इसमें आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, इसके बाद आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका डिटेल्स यहाँ पे लिखा होगा, आपका फोटो भी यहाँ पे शो कर रहा होगा। फोटो आपने जब लर्निंग लाइसेंस बनाते टाइम जो अपलोड किया था वही फोटो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। एंड दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको इस पे क्लिक करके आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके भी अपने पास रख लेंगे, ठीक है। एंड जब ये फॉर्म अप्लाई पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन सेकंड में देखेंगे अप्लाई फॉर्म प्रीफिल्ड, तो अप्लाई होने के बाद आप इस प्रीफिल्ड फॉर्म को भी यहाँ पे प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस पोर्टल पे आने के बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस फॉर्म को आपको चार स्टेप में कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। पहला स्टेप तो आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपको दूसरा स्टेप मतलब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तीसरा स्टेप में पेमेंट करना है एंड चौथा स्टेप में आपको एक स्लॉट बुकिंग करना है, ठीक है। तो दोस्तों, दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा, इसमें आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स का, आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लर्नर लाइसेंस का, तो ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रूफ वाले ऑप्शन
ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है लर्नर लाइसेंस का, आपको इस पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों नेक्स्ट आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाता है, डॉक्यूमेंट्स नंबर, इशूड बाय, इशू डेट एंड कॉन्टेक्ट नंबर। तो आप इसे छोड़ देंगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है फिल करने के लिए। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे मत फिल करिए, क्योंकि यहाँ पे जो जरूरी चीज है, यहाँ पे आपको एक लर्निंग लाइसेंस, जो आपका लर्निंग लाइसेंस बना होगा, उसे आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस सिलेक्ट कर लेंगे ये दोनों प्रूफ में, एंड यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके जहां भी आपका डॉक्यूमेंट है उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर देंगे, एंड उसके बाद अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंड नेक्स्ट आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों कंफर्म करने के बाद आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो कम्प्लीटली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे टिक भी यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना था, जो था लर्निंग लाइसेंस, जो कि मैंने यहाँ पे अपलोड करके बता दिया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो सेकंड स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड। अब आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना है, मतलब तीसरा स्टेप है जो फी पेमेंट का, वो यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने के लिए आप फिर से यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा। इसमें आपका अमाउंट शो कर रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मुझे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अमाउंट पे करना है वो 1350 है। ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए है। अगर आप फोर व्हीलर के लिए अप्लाई करते हैं बिहार से तो आपको 2300 रुपये पे करना पड़ता है टू एंड फोर व्हीलर दोनों के लिए, ठीक है। तो मेरे केस में सिर्फ टू व्हीलर के लिए तो यहाँ पे 1350 शो कर रहा है। तो दोस्तों पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे बैंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिखेगा ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंट सिस्टम, आपको इस पे क्लिक करना है, एंड जो यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा है इसके बगल वाला कॉलम में फिल करके पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप पेमेंट वाले डैशबोर्ड में चले आएंगे, ठीक है। तो पेमेंट वाले डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दो चीज सिलेक्ट करना पड़ता है, पहला है पीरियड ईयर एंड दूसरा है पीरियड। तो पीरियड ईयर में आप यहाँ पे जो भी करेंटली ईयर चल रहा है, मतलब 2023-24 अभी चल रहा है, तो आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, एंड नेक्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे एनुअली आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ई पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पे क्लिक करना है, एंड जिस भी बैंक से आपको पेमेंट करना है उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे मैंने SBI बैंक को वहाँ पे सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे SBI बैंक पेमेंट का यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे यहाँ पे SBI बैंक से जो भी यहाँ पे पेमेंट होता है यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे SBI नेट बैंकिंग, SBI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड UPI, ठीक है। तो आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं आप उस मेथड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं SBI नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, एंड इसके बाद जो मेरा SBI नेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो यहाँ पे मैं फिल करके लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को इस कॉलम में फिल करेंगे, एंड इसके बाद आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, एंड यहाँ पे आपका अमाउंट भी शो कर रहा होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे 60 सेकंड के लिए वेट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड पे लेके चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप अपने से डैशबोर्ड पे जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा, इसमें आपका पेमेंट का स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा होगा जिसमें लिखा हुआ पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। तो पेमेंट का रिसीट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसीट, तो आपको सिंपली सिर्फ क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे जो जो प्रिंट यहाँ पे मैं करने के लिए बोल रहा हूँ वो आपको प्रिंट करके रखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा, तो इसे प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे इस डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करेंगे एंड इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके प्रिंट रिसीट वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट आपको इस प्रकार का PDF यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप घर से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे PDF फाइल में सेव करके अपने फोन में रख लेंगे एंड किसी साइबर कैफे में जाके इसे प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। तो इसे सेव करने के बाद आप फिर से पिछले वाले डैशबोर्ड पे चले आएंगे एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको फिर से इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होगा, इसमें आपको सिंपली कैप्चा को फिल करेंगे एंड फिर से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट आप देखेंगे इस प्रकार का आपको प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा, इसमें आप देखेंगे आपका तीसरा जो प्रोसेस था फी पेमेंट का वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लास्ट प्रोसेस कंप्लीट करना है जो कि है डीएल
स्लॉट बुकिंग का, ठीक है, मतलब आपको किस डेट पे अपने आरटीओ ऑफिस में जाना है टेस्ट के लिए, आपको उस डेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसे बुक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। दोस्तों नेक्स्ट आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, इसमें आपको जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन नंबर का, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर एंड आपका जो जन्म तिथि है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर चला आएगा, ठीक है। अगर फिल होकर नहीं आता है तो आप खुद से यहाँ पे फिल कर लेंगे एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि एंड इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको इस प्रकार का प्रीव्यू ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिख रहा है मोटरसाइकिल विथ गियर, आपको यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पे सिलेक्ट करना है एंड प्रोसीड टू बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इसके बाद स्लॉट बुकिंग के लिए आपको इस प्रकार का कैलेंडर ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है ये डेट आपके लिए अवेलेबल है, आप इस डेट को जा सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें से किसी एक डेट को यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 12 तारीख को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देखेंगे एक और ऑप्शन आपको खुल के आ जाएगा, इसमें आपको डेट के साथ साथ टाइम स्लॉट भी बुक करना है, ठीक है। टाइमिंग में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखेंगे, एक है 10 से 1 बजे का एंड दूसरा है 2 से 5 बजे का। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा बुक स्लॉट का, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आपको फिर से यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा कि आपने सही से सिलेक्ट किया है कि नहीं। तो इसे वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन दिख जाएगा कंफर्म टू बुक स्लॉट का, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म टू बुक स्लॉट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है थैंक्स फॉर यूजिंग ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट स्लॉट बुकिंग फैसिलिटी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेट भी एंड टाइमिंग जो आपने सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो दोस्तों स्लॉट बुक करने के बाद आपको इसे प्रिंट आउट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट का, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक पीडीएफ जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसे प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे या फिर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे पीडीएफ फाइल में सेव करके अपने पास रखेंगे एंड किसी भी साइबर कैफे में जाके इसे प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पे बार बार प्रिंट आउट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैंने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जिस पीडीएफ को यहाँ पे प्रिंट आउट करने के लिए बोला है वो सारा मैंडेटरी है प्रिंट करने के लिए, और आप किसी एक पीडीएफ को भी छोड़ देते हैं तो आपको आरटीओ ऑफिस में एंट्री करने नहीं देगा। मैं ये सब चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जब ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया था तो मेरा एक पीडीएफ मैंने प्रिंट नहीं किया था, तो मुझे वहां पे एंट्री करने नहीं दिया था, तो मुझे फिर से एक स्लॉट बुकिंग करके जाना पड़ा और मुझे काफी परेशानी हुई थी। सो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे सारा पीडीएफ को प्रिंट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है एंड इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा एंड इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड जय हिंद जय भारत।